अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाकिस्तान में जो पैसे की पावर है ना, जिससे आप कुछ भी करवा सकते हैं, वो मेरे ख्याल दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। अभी 2 से 3 दिन हुए हैं ये जो कारसाज का सीवियर एक्सीडेंट, जिसमें नताशा इकबाल साहबा जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी, उन्होंने बाप और बेटी को रौंद डाला और आगे 5 से 6 मोटरसाइकिल सवार वो जख्मी हुए, सीवियरली जख्मी, और नुकसान जो हुआ वगैरह वगैरह। लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ पाकिस्तान, आप नेट पे जाएं, गूगल करें, सब न्यूज़पेपर्स ने क्या लिखा है, किसी ने नाम नहीं दिया। और अगर दिया होगा तो वो रातों रात पैसे की पावर ही है, देख लेना। नाम ही हटा दिया, फीमेल सस्पेक्ट ड्राइवर ये लिखा है, इंडस्ट्रियलिस्ट वाइफ ड्राइविंग फीमेल ड्राइवर, किसी ने नाम नहीं दिया। और आप देख लें कि कैसे सारा कुछ पलट गया। और अब जो है मुझे जो ये लग रहा है, ये मेरा अपना एक व्यू पॉइंट है, कि वो मुल्क से चली गई हैं, उनको निकाल दिया गया मुल्क से। और ये जो पुलिस की तहवील में एक खातून के ऊपर मुंह पे 50 कपड़े डाले हुए हैं, क्यों भाई, कोई दहशतगर्द है? जब वो वहां पे टी शर्ट और पैंट्स में थी और सबने उनकी शक्ल देख ली, तो शक्ल छुपा के क्यों ले जा रहे हैं? बॉडी डबल भी हो सकता है ना, इंग्लिश फिल्मों की तरह। तो मुझे लगता है कि टाइम टाइम फिश, ज़ाहिर जाफर की तरह शाहजेब वाला केस सबने देखा, किसी को भी जो जिनके नुकसान हुआ उनको किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह ये भी निकल गई, बॉडी डबल जो है वो जेल में सज़ा काटेगा, ये मेरा अंदाज़ा है। अब ये सही है कि गलत है, आगे आगे देखें होता है क्या।